गाइस आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग अंदर भी वीडियो को देखा था ना, उस वीडियो को ट्यूटोरियल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आराम से आप ये वीडियो बना लोगे और आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बस आपने ये वीडियो को शुरू से अंतर देंगे, जब आपको ये समझ में आएगा ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो ना, और इस घंटे दबा के इस ऑल पे क्लिक कर दो ना। इससे ये होगा मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा ना वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, आपको इस तरह वीडियो देखनी हो, इस तरह वीडियो बनानी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ना आपको ना अपने मोबाइल फोन से आपकी वीडियो आपको शूट कर लेनी है। ठीक है, ऐसे आपको दो पार्ट में आपको वीडियो शूट कर लेनी है। एक वीडियो तो आपको ऐसे शूट कर लेनी है, देखो ऐसे वीडियो बनाना और एकदम ऊपर मोबाइल कर लो ना। ठीक है, और दूसरी वीडियो ना आपको इस टाइप की आपको शूट कर लेनी है। ठीक है, स्क्राइम मास्टर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके ना स्क्राइम मास्टर को डाउनलोड कर लो ना। ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आपको ए प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये वाला साइड ले लेना। ठीक है, उसके बाद आपके ये खुल जाएगा, आपको ना मीडिया पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। आपको इसके अंदर क्या बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, अब इसमें से कौन सा बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें से बैड वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने बैड वाला बैकग्राउंड ले लिया है, आपको इस पर क्लिक करके उसको बड़ा करना है। बैकग्राउंड को मैंने बड़ा कर लिया, अपन क्या करते हैं बैकग्राउंड के स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको रेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें ये इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ पे आकर ना ये लड़की की वीडियो को डाउनलोड कर लो। ठीक है, और आपको ना इसके अंदर साउंड मिल जाएगा, आपको अलग से साउंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको ना आपको इस पर क्लिक करके सो ना बड़ा करना है इतना। ठीक है, ये पीछे बैकग्राउंड छुप जाए, आपको वीडियो के एंड में आना है, आपको ये ना बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ये कैसे पे क्लिक करना है, फिर आपको सेकंड बार दबाना है। क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट ना अपन रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, अब ये वीडियो को सब्सक्राइब हो चुका है, अब आपको ना ग्रीन स्क्रीन हटानी है। मैं आपको बताता हूँ ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटानी है। ठीक है, आपको ग्रीन पे वीडियो पे क्लिक करना है, नीचे वाली पे आपको ऊपर जाके क्रोमा की मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर इसको एनेबल करना है। आपकी ग्रीन स्क्रीन जब भी नटे तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके यहाँ क्या ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको नीचे वाले पे क्लिक करके ये फर्स्ट वाला पूरा बंद कर लेना, वही थर्ड वाला पूरा बंद करना, वही आपको सेकेंड वाला पूरा बढ़ा देना। ठीक है, अपनी ग्रीन स्क्रीन पूरी हट जाएगी। ओके, अब आपको ना मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा था ना, स्टार्ट की वीडियो आपको शूट कर लेनी है। ठीक है, वाली वीडियो को क्या मैं निकाल के मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ। ओके, आपको रेयर पे क्लिक करना है, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को निकाल लेता हूँ, ये मेरी वीडियो आ चुकी है। मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाता ना वीडियो को, मैंने कहा वीडियो को ज्वाइन कर लेगा है। ठीक है, अब आपको क्या इसको दो पार्ट में कर लेना है। ठीक है, मैं अपने दो पार्ट में वीडियो कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे भी जाके ये मेरे दो पार्ट में वीडियो हो चुकी है, दूसरे पार्ट दूसरे वाले पार्ट को ना मैं ना वीडियो के एंड पर ले जाता हूँ। ठीक है, वीडियो के एंड में आ चुकी है मेरा पार्ट। अब आपको ये ना क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर सेंटर बैक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको ना बड़ा करना है इतना। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह आपको दूसरा वाला पार्ट लेना है, आपको इस पर क्लिक करना है पहले, फिर आपको थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, फिर सेंटर बैक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अपन का पूरा बढ़ा देना इतना। अब आप देखो अपनी पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे नहीं ये वीडियो के एंड के अंदर इफेक्ट नहीं आ रहा, मैंने कहा वो इफेक्ट ना टिकटॉक से लगाए थे, आप भी अपने टिकटॉक ऐप से ना वाला इफेक्ट को लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको करना, आपको ये शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये स्पॉट पर आपको क्लिक करना है। अपनी वीडियो ना मेरे पास फाइल में आके सेव हो जाएगी, पूरी लाइन बढ़ती है। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपको इस तरह वीडियो देखनी हो, इस तरह वीडियो बनानी हो तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो ना, और इस घंटे दबा के उस ऑल पे क्लिक कर लो ना। इससे ये होगा कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।